मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो नहीं है, लेकिन संथाल फरगना में उनको टाइगर के नाम से संबोधित किया जाता था। टाइगर झारखंड में उसे बोला जाता है जो सही में गांव वाले के लिए, जनता के लिए अपनी हर चीज़ निछावर कर देते हैं। झारखंड में दो ही टाइगर हैं, एक शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी अच्छी कामों का उपलब्धि ही टाइगर है, और यहाँ हमारे क्षेत्र में चंपाई सोरेन का भी नाम से टाइगर बोला जाता है। लेकिन उनका हर काम इतना अच्छा था, जिनकी याद में आज बिरसा नगर लालटार काली मंदिर कमेटी के द्वारा उनके याद में ब्लड डोनेशन का आज कैंप रखा गया। अब जानने का कोशिश करते हैं कि इतना अच्छा सोच शिक्षा मंत्री आज नहीं है, उनके नाम से क्या संदेश देना चाहते हैं कि आज वह शिक्षा मंत्री हमारे बीच नहीं है। बिकू जी, आज बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा, हमारे झारखंडी भाई साहब को जोहार। आज हमारा बीच झारखंड एक आंदोलनकारी लड़ाई लड़, झारखंड का आंदोलन किया, लड़ाई लड़ा, उनके बाद विधायक बने, विधायक से मंत्री बने। बहुत ही अच्छा स्वभाव के लोग थे, बहुत ही गरीब दुखी के दिल में बैठे हुए थे। इसी का याद में जब नहीं है तो हम लोग एक कमेटी में विचार किया गया कि क्यों ना उनका नाम से हम लोग एक ब्लड डोनेशन का कैंप रखा जाए। उन्हीं के याद में हम लोग आज कमेटी, अब हमारा ग्रामवासी हुडलुंग पंचायत के, उनकी याद में एक ब्लड डोनेशन कैंप की रखा गया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोग क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में है झारखंड का बॉर्डर इलाका, मतलब ग्रामीण क्षेत्र है, तो उनके जब शिक्षा मंत्री होते हुए क्या क्या काम हुआ सरकारी स्कूल में, जैसे आप लोग देखे होंगे? देखिए, पहले जो सरकारी स्कूल था उससे तो कुछ सुधार हुआ है, दो तीन साल से पढ़ाई में, स्कूल का बच्चे का ड्रेस में, स्कूल में कॉपी किताब का जो कमी था, कुछ कुछ सुधार ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा था। लेकिन वो उनके जाने से खले गए लच्छी, उनके जाने पर अपरि छाती तो है, अब उनकी जगह कौन लेते हैं, कैसा करेंगे नहीं करेंगे तो सरकार ही बता पाएंगे। कि और क्या क्या काम कर सकते हैं उनके नाम से, आज तो ब्लड डोनेशन होगी, और क्या करवाएंगे आगे देखते हैं। पहले तो उसका आत्मा को शांति मिले, कहीं भी रहे। आप देखिए, अभी तो हम तुरंत कमेटी ने निर्णय लिया, हो सकते है आगे और कुछ हो। बच्चा लोगों का स्कूल में कॉपी किताब डोनेट करना, उनका जैसा जन्मदिन हुआ वो सब में कुछ प्रोग्राम फंक्शन रखा जाएगा, यही सब होगा। क्या बोलना चाहेंगे जगन्नाथ महतो के बारे में? जगन्नाथ महतो के अच्छा आदमी था, और हमारे बीच नहीं रहे, उसके में हम लोग सब दुखी हैं। क्या बोलना चाहते हैं जी? हमारे समाज में एक बहुत अच्छे जो मंत्री थे वो हमारे बीच आज नहीं रहे, जिसके कारण हम लोग को बहुत दुख व्यक्त करना पड़ रहा है। उसी के याद में हम लोग ये ब्लड डोनेशन कैंप रखे हैं, ताकि हमें जन्म जन्म तक याद रहे कि एक अच्छे आदमी हमारे बीच नहीं रहे, जिसके कारण हम लोग बहुत दुखी हैं। इसको हम लोग यादगार बनाने के लिए इस कैंप को रखा गया। क्या बोलना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि एक हम झारखंड राज्य और हमारे जो ये हमारे राज्य में एक इतने अच्छे और इतने बुद्धिमान क्रांतिकारी जो नेता जिन्होंने हम खो दिया, जिन्होंने के इतने बुद्धिमान जीवित थे कि जिनके बुद्धि से ही मतलब आज झारखंड में इतना अच्छा शिक्षा व्यवस्था को लेकर इतना अच्छा अच्छा काम किया गया है। आने वाले दिनों में उनकी कमी हमें बहुत ही ज़्यादा खलने वाली है, कि देखते हैं कि आगे उनकी जगह में कौन
अच्छे नेता बन के उभरते हैं और उनके जगह कौन ले पाता है, लेकिन उनका जगह तो शायद ही कोई ले पाएगा जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है। और हम उन्हें हमेशा अपने दिलों में और हर राज्य में उन्हें याद करेंगे और उन्हीं की आज श्रद्धांजलि के तौर पर हम लोगों ने हमारे ग्राम हुल्लुंग की तौर से और हमारी कमेटी जो हुल्लुंग पंचायत के अंतर्गत आता है काली मंदिर कमेटी, जिन्होंने इतना अच्छा रक्त शिविर का आयोजन रखा है और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में कि ये रक्त की कमी से होने वाली बीमारी से जब अनेकों लोग मरते हैं और ये इतना अच्छा कैंप रखा गया है कि आने वाले दिनों में अगर रक्त की अगर किसी को भी व्यवस्था मतलब ना उपलब्ध हो तो हमारी कमेटी की ओर से उन्हें उपलब्ध हो और हमारा उसमें योगदान भरपूर रहे। कुछ है जगन्नाथ माथुर नहीं रहे इसलिए हमें इस अवसर पे हमने ब्लड डोनेट कैंप लगाए हैं और दुखद के साथ कहना पड़ रहा है बहुत अच्छे आदमी थे। जगन्नाथ माथुर का नाम ऐसा ही आदमी नहीं लेते, उनकी शिक्षा का योगदान अगर देखा जाए तो तत्काल में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाना, उनके समय में कोई अगर आंदोलन पारा शिक्षक होता था तो उनसे बात करके रास्ता निकाला जाता था, उनकी क्वालिटी था, प्लस उन विधायक में उनके नाम से हर लोग आज वह समय को नहीं भूल सकते क्योंकि उनकी हर काम को झारखंड वासियों हर समय ऋणी रहेंगे। हमें चाहेंगे कि जगन्नाथ माथुर के नाम लेने वाले उनके अच्छे कर्म को साथ देने वाले यही सब लोग हैं जिनके कारण यह पता चलता है कि जगन्नाथ माथुर कितने महान थे और यह ब्लड डोनेशन उन्हीं की याद में किया गया है। एडी लाइव के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप सभी को मिल रहे अपार प्यार सहयोग उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार। एडी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे एडी लाइव।